मेरा हो सकता है ये आखिरी वीडियो हो। मेरा भाई को गोली मार दिया गया है और भाई आईसीयू भर्ती है। पापा को गोली मार दिया गया है, पापा मर चुके हैं। कल पापा को मैंने आग लगा के आया हूँ। मेरी दीदी रो रही है, दीदी का मेंटली टॉर्चर हो चुका है। मम्मी भी पूरा अजीब तरह का सब अजीब हरकत हो रहा है, क्योंकि मम्मी को भी पापा मर चुके हैं, जिससे मम्मी को भी सदमा लग चुका है। हो सकता है अब मेरा टारगेट हो अगला अटैक मेरे ऊपर किया जाए और मुझे भी गोली मार दिया जाए। आज की इस वीडियो में मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करूंगा, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर इस वीडियो के लास्ट में मेरे इस भाई सॉफ्टवेयर हिंदी को मिल जाएगा। तो मेरे भाई, तो इस वीडियो के लास्ट में जाके मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लेना, वहां से तू मुझे कॉन्टेक्ट कर और तेरी जितनी मेरे भाई हेल्प हो सकती है ना मैं करूंगा। आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए, जितनी भी जो कुछ भी मेरी तरफ से हो सका आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी आपको आ रही है। नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, ये बिहार का केस है। आपके जो एरिए का जो एमएलए कौन है, आपके एरिए के जो इंचार्ज थाने का इंचार्ज कौन है, आपको कौन सा थाना पड़ता है, वहां का कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपके, और हम कोशिश करेंगे जो हमारे इंडिया के जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनकी अलायंस की सरकार है, वहां तक भी आवाज पहुंचाए। जितनी ज्यादा कोशिश हो सकती है हम कोशिश करेंगे भाई, क्योंकि आपने बोला ये बंदा पुलिस वाला है और पुलिस वाले अपने पुलिस वाले के होने की वजह से आप लोगों का केस नहीं सुन रहे। तो अब हम इस आवाज को इतने बड़े लेवल तक लेके जाएंगे कि पुलिस वालों को अब खुद ही काम करना पड़ेगा। Yo, what's up people, it's your boy Super Khalsa here, the best wrestler but with bad attitude। तो आज की ये वीडियो एक बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक के ऊपर होने वाली है और ये स्पेशली मैं एक यूट्यूबर के लिए बना रहा हूं। तो प्लीज मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अगर आप उस यूट्यूबर को जानते हो तो उस तक जरूर पहुंचा देना, क्योंकि उस बंदे को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है, हेल्प की इतनी ज्यादा जरूरत है ना उस भाई को, और उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं हो रहा। कितनी शर्मनाक बात है भाई ये हमारी YouTube कम्युनिटी के लिए कि कोई भी बंदा उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा। तो उस यूट्यूबर का नाम है सॉफ्टवेयर हिंदी। तो जितने मेरे भाई अगर आप उसको जानते हो तो ये मेरी वीडियो उस तक पहुंचा दो, नहीं तो इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो कि एक दूसरे के तक पहुंचते पहुंचते ये वीडियो उस बंदे तक पहुंच जाए। वो बंदा इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा दुखी है, हॉस्पिटल में है, उस बंदे का सारा परिवार खत्म कर दिया गया है। एक तरह से मैं कहता हूं कि खत्म ही कर दिया गया है पूरे परिवार को। पूरे परिवार की इतनी ज्यादा बुरी हालत हुई पड़ी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। जब मैंने उसकी वीडियो देखी तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ यार, देख के ये वीडियो होगी यार ये क्या चल रहा है हमारे समाज में, हमारे देश में। और ये वीडियो मैं सबसे पहले आप सभी को भी थैंक्स कहना चाहता हूँ, जो मेरे टीम बैड एटीट्यूड वाले हैं भाई, आप लोगों ने ये वीडियो का मुझे लिंक मेरे तक पहुंचाया। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करूंगा, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर इस वीडियो के लास्ट में मेरे इस भाई सॉफ्टवेयर हिंदी को मिल जाएगा। तो मेरे भाई, तो इस वीडियो के लास्ट में जाके मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लेना, वहां से तू मुझे कॉन्टेक्ट कर और तेरी जितनी मेरे भाई हेल्प हो सकती है ना मैं करूंगा। जितनी हेल्प मेरे सब्सक्राइबर अगर तेरी कर सकेंगे तो हम सारे मिलके तेरी वहां पे हेल्प करेंगे, जितनी ज्यादा हेल्प हो सकती है। तो इस वीडियो के लास्ट में मेरा नंबर ले लेना। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई इस समय तू ये वीडियो देख रहा होगा, तुझे भी बहुत ज्यादा हौसला हुआ होगा ये वीडियो देख के। तो एक बार फिर से मेरे टीम बैड एटीट्यूड वालों का थैंक्स कि जिन्होंने ये मुझे वीडियो इतनी ज्यादा शेयर की कि मेरी तरफ ये वीडियो पहुंची है, मैंने इस वीडियो को देख पाया हूं, और मुझे बहुत प्राउड होगा, बहुत खुशी होगी कि मैं किसी अपने यूट्यूबर भाई को जो हमारे यूट्यूब कम्युनिटी का है उसकी मैं हेल्प कर सकूं। तो अभी एक बार जितने लोगों को अगर नहीं पता इसमें क्या चल रहा है, क्या हुआ है, क्या वारदात हुई है, तो एक बार आपको मैं ये वीडियो दिखा देता हूं, फिर पूरी डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। गाइस, मैं सॉफ्टवेयर हिंदी बोल रहा हूँ, ये मेरा हो सकता है ये आखिरी वीडियो हो। मेरा भाई को गोली मार दिया गया है और भाई आईसीयू भर्ती है। पापा को गोली मार दिया गया है, पापा मर चुके हैं। कल पापा को मैंने आग लगा के आया हूँ और आज आईसीयू में भाई का इलाज करा रहा हूँ। भाई का दीदी रो रही है, दीदी का मेंटली टॉर्चर हो चुका है। मम्मी भी पूरा अजीब तरह का सब अजीब हरकत हो रहा है, क्योंकि मम्मी को भी पापा मर चुके, जिससे मम्मी को भी सदमा लग चुका है। हो सकता है अब मेरा टारगेट हो अगला अटैक मेरे ऊपर किया जाए और मुझे भी गोली मार दिया जाए। इजाजी नहीं, मेरे घर पे आके सबको घुस के गोली मारा। दीदी को मारता पीटता था, दीदी उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। दीदी बोली तलाक देने के लिए, तलाक भी देना नहीं चाह रहा तो बोलता था तुम्हें जान से मार देंगे, तो परिवार को जान से मार देंगे। हम सब पुलिस के पास भी गए, पुलिस वाला भी हमारा बात नहीं सुना, और पुलिस वाला ही अपना पुलिस वाला का सपोर्ट करता है। जो सोनू है मेरा जीजाजी, वो पुलिस में है, एसपी ऑफिस में पुलिस में है,
और जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, ये सॉफ्टवेयर हिंदी नाम का बंदा आया तो और इसके साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है भाई। इनका कोई फैमिली इशू है इनके जीजा के साथ, तो पहले इसके जीजे ने इसकी सिस्टर के साथ जबरदस्ती मैरिज की है, फिर वो इसको मारता भी था, परेशान करता था। जब इसकी सिस्टर ने कहा कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए, तो ये बंदा अपनी रिवॉल्वर लेके इनके घर आ जाता है, सभी को गोलियां मारता है और इसके फादर की डेथ हो जाती है गोली की लगने की वजह से, और फिर इसके ब्रदर की भी ऐसी काफी कंडीशन है और ये भी गोली से बच जाता है। मम्मी इसकी मेंटली अपसेट हो चुकी है, सिस्टर भी बहुत परेशान है। तो पूरी तरह से मैं कहता हूँ कि इसकी फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है भाई। या तो इसकी फैमिली के बंदे मर चुके हैं या दिमागी तौर से परेशान हो चुके हैं। यार इतनी घटिया सोच वाले लोग हमारे समाज में रहते हैं, जिस बंदे ने ये हरकत की है यार कुछ शर्म आनी चाहिए। और इतनी घटिया सोच वाले बंदे हमारी यूट्यूब कम्युनिटी में भी है जिन्होंने अभी तक इसके बारे में बात तक नहीं की। वो बंदा बार बार वीडियो बना के हेल्प मांग रहा है, कोई बंदा हेल्प नहीं कर रहा। मेरे तक तो भाई वीडियो पहुंची नहीं, जब मेरे पास ये वीडियो पहुंची मैंने उसी वक्त अभी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। मुझे लगा कि भाई को जरूरत है हेल्प की, जैसे भी हो सकती है हेल्प हम इसकी हेल्प करेंगे, जो भी तरीके से हेल्प होगी मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, इस वीडियो के लास्ट में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप डायरेक्ट मुझे वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में जाके कॉन्टेक्ट नंबर ले लेना, जितनी हेल्प हो सकेगी जो भी हम कर सकते हैं, हमारी यूट्यूब जितने मेरे टीम बैड एटीट्यूड वाले हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी तरफ से जितनी हेल्प हो सकती मैं हेल्प करूंगा। और मुझे पता है बहुत से लोगों को इससे बुरा भी लगेगा कि यार ये सुपर खादर सभी की हेल्प क्यों करता रहता है। तो यार देखो, ये जो लोग होते हैं ना जो आपको अच्छा काम करने से हटाते हैं, मैंने एक चीज सीखी है, ये लोग होते हैं कुत्ते। और एक अगर आप अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके घर के बाहर कोई कुत्ता खड़ा होगा, अभी आज के आपके आसपास कोई कुत्ता खड़ा होगा, तो अगर आप उस कुत्ते को देखोगे तो उसका काम क्या है, सिर्फ भौंकना। तो मैं अगर अभी इन कुत्तों को बोलूंगा कि तुम लोग अच्छे काम करने शुरू कर दो या कुछ अच्छी वीडियो बनानी शुरू कर दो या कुछ अच्छा बोलना शुरू कर दो, तो वो भौंकने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी कुत्ते को मैं बोलूंगा तो बोलना शुरू कर दे, वो नहीं बोल सकता। कुत्ते का काम है सिर्फ से सिर्फ भौंकना, इसलिए ये लोग सिर्फ भौंक सकते हैं। इनको लगता है शायद अभी मैं देख रहा हूँ यार इतनी ज्यादा लोग मेरे अगेंस्ट वीडियो बनानी इन्होंने शुरू कर दी है, इन लोगों को लगता होगा कि शायद मुझे फर्क पड़ता होगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि रेस्ट इन पीस इन लोगों के दिमाग के लिए, इन लोगों की सोच के लिए, क्योंकि सुपर खालसा को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम लोग कुछ भी बोलते रहो। मैंने पहले भी बोला है तुम लोग सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते हो, कुत्तों का काम होता है भौंकना, और तुम्हें मैं भौंकने दूंगा, ठीक है। तुम सिर्फ भौंकते रहोगे, कर तुम कुछ नहीं पाओगे। मुझे कभी भी किसी भी बंदे की हेल्प करने के लिए रोक नहीं पाओगे। मेरे पास आज सोशल मीडिया की पावर है, 1 मिलियन से ज्यादा लोग मेरे सब्सक्राइबर बन चुके हुए हैं, तो अगर मैं उस पावर को, सोशल मीडिया की पावर को अच्छे तरीके से यूज कर सकता हूं, किसी बंदे को इंसाफ नहीं मिल रहा, किसी बंदे को हेल्प की जरूरत है, अगर उस